राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया हुआ है। बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों ने नेबरिंग कंट्री में शरण लिया हुआ है। दोनों ही कंट्री के बहुत सारे सोल्जर मारे जा चुके हैं। यूएन की लास्ट 3 मीटिंग में भारत ने एक न्यूट्रल सा स्टैंड लिया था और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टैंड है। भारत की राजधानी और यूक्रेन की राजधानी में करीब 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस युद्ध में हालांकि ये 5,000 किलोमीटर दूर हो रहा है भारत से, फिर भी हम आम भारतीयों को काफी हद तक बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, बहुत सारी मुश्किलें भी आएगी। अब आप ये कहोगे कि भाई जो युद्ध 5,000 किलोमीटर दूर हो रहा है, जहां पे ना भारत यूक्रेन के साथ है, ना रशिया के साथ है, ना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे में हम आम भारतीयों को क्या तकलीफें होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2022 21वीं सदी में मैक्सिमम कंट्रियां इंडिपेंडेंट कम इंटरडिपेंडेंट ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी कंट्री है जिनके पास तेल की खदानें हैं, मगर उनके पास फर्टाइल लैंड नहीं है, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, तो वो खाने पीने का सामान इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारी कंट्री के पास खाने पीने का सामान है, मगर उनके पास ऑयल एंड गैस नहीं है। बहुत सारी कंट्री के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है, मगर उनके पास मैन पावर नहीं है। वैसे ही बहुत सारी कंट्री के पास मैन पावर है, मगर उनके पास टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में किसी भी कंट्री पे अगर कुछ भी होता है तो हर कंट्री पे कम ज्यादा इफेक्ट तो होता ही है। इफेक्ट डिफेंस के लेवल का हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, या इकोनॉमिकली भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये सब डायमेंशन कवर नहीं करूंगा, बट यस, हम आम भारतीयों को क्या क्या तकलीफें हो सकती है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है और हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा इस वीडियो पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है ना, तब से यूक्रेन का सारा ट्रेड ठप पड़ा हुआ है। उनके सीपोर्ट पूरे बंद पड़े हैं, कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, रशिया के ऊपर बहुत सारी कंट्री ने, यूएस, यूरोपियन कंट्री ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया हुआ है। रशिया के जो टॉप 7 बैंक है उसको शिफ्ट पेमेंट से भी हटा दिया गया। जैसे डोमेस्टिक में हमको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आईएफएससी कोड का जरूरत होता है, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हमको शिफ्ट कोड का जरूरत होता है। तो दोस्तों, जितना भी प्रोडक्ट या सर्विसेज यूक्रेन और रशिया से एक्सपोर्ट होता था, इन सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज का ग्लोबल मार्केट में सप्लाई को लेके इशू आने ही वाला है और इससे हम भारतीय भी अछूते नहीं है, हमको भी तकलीफें होगी। और सबसे पहला तकलीफ अगर हमको होगा तो वो है तेल से। दोस्तों, रशिया जो है ना, वो हर दिन का करीब करीब 10 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है और हर दिन का 5 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जो कि पूरी दुनिया का ऑयल एक्सपोर्ट का 12% हुआ। रशिया का 60% एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्री को जाता है और 20% एक्सपोर्ट चाइना को जाता है। रशिया वर्ल्ड में तीसरा बड़ा कंट्री है ऑयल प्रोड्यूसिंग में और दूसरा बड़ा कंट्री है ऑयल एक्सपोर्ट में सऊदी के बाद। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ऑयल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $100 पर बैरल से कम था, फिर $100 हुआ, फिर रिसेंटली $117 पर बैरल भी हुआ है, और मेरे हिसाब से ये 140 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, जब ऑयल का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली भारत में भी पेट्रोल और डीजल का रेट भी बढ़ेगा और इससे आम भारतीयों को तकलीफ जरूर होगा, मुश्किलें बढ़ेगी। अगला है लॉजिस्टिक। दोस्तों, जब भी ऑयल का प्राइस बढ़ता है ना, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक को बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इससे हो सकता है आपका ओला उबर का फेयर बढ़ जाए, हो सकता है आपके फेवरेट रेस्टोरेंट का खाने का रेट बढ़ जाए, हो सकता है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ जाए। ओशन फ्रेट तो लास्ट 2 ईयर से वैसे ही बढ़ा हुआ है। ओशन फ्रेट क्यों बढ़ा, किन कारणों से बढ़ा, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगला है ऑटोमोबाइल। दोस्तों, हो सकता है आने वाले दिनों में नई गाड़ियों का भी रेट बढ़ जाए, क्योंकि रशिया एल्यूमिनियम और प्लेडियम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दूसरा यूक्रेन नियॉन गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। एक तरफ तो पेट्रोल और डीजल का रेट आने वाले दिनों में बढ़ सकता है,
दूसरी तरफ अगर नई गाड़ियों को भी रेट बढ़ जाए तो इससे आम पब्लिक को थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है। अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आप मार्केट में अच्छे से रिसर्च कर लो और उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। अगला है सनफ्लावर ऑयल। दोस्तों, हम भारतीय करीब करीब 10-12% सनफ्लावर ऑयल को कुकिंग के लिए यूज करते हैं और ये सनफ्लावर ऑयल हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं। 70% हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, 20% यूक्रेन से और 10% अर्जेंटीना से। अब क्योंकि हम रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में सनफ्लावर ऑयल का भी रेट बढ़ सकता है और अगर सनफ्लावर ऑयल का रेट बढ़ता है तो इससे आम पब्लिक को तकलीफ होगा ही। नेक्स्ट है वीट। दोस्तों, अगर मैं वीट की टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री का बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है चाइना, इंडिया, कनाडा, रशिया, यूएस वगैरह। और अगर मैं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री की बात करूं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रशिया का, फिर यूएस, कनाडा, यूक्रेन, फ्रांस वगैरह का। इंडिया वीट एक्सपोर्ट में टॉप 15 में भी नहीं है क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है। टॉप इंपोर्टिंग कंट्री का बात करूं तो उसमें इजिप्ट, तुर्की, ईरान, चाइना वगैरह भी है। तो दोस्तों, एक तरफ तो यूक्रेन और रशिया से वीट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता तो अभी दुनिया के पास अगर कोई दूसरा विकल्प है तो वो है भारत। ऑलरेडी भारत में गेहूं का प्राइस 15% बढ़ चुका है। वीट जो है हम भारतीयों के लिए एक स्टेपल फूड है तो ये रेट ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा मगर कुछ हद तक बढ़ेगा। FCI के पास बहुत सारा स्टॉक है, हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले दिनों पे एक्सपोर्ट पे बैन भी लगा दे। अगला है एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों, अगर आप किसान है ना तो आपको भी थोड़ी बहुत तकलीफें होगी। क्या है ना, रशिया फर्टिलाइजर का टॉप एक्सपोर्टर है। पोटैश जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आता है ये बेलारूस, यूक्रेन और रशिया बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं और भारत इन तीनों कंट्री से बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट करता आया है। यही हाल यूरिया का है। जितना भी यूरिया हम भारत में यूज करते हैं ना, 50% भारत उसका इंपोर्ट करता है और मैक्सिमम क्वांटिटी रशिया से आता है। अब क्योंकि हम यूक्रेन और रशिया और बेलारूस से इंपोर्ट फिलहाल नहीं कर सकते तो आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह का रेट भी बढ़ सकता है और अगर इसका रेट बढ़ेगा तो किसानों को भी थोड़ा बहुत तकलीफ होगा। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन बहुत सारा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। एक तरफ यूक्रेन का ट्रेड ठप पड़ा हुआ है, सी पोर्ट बंद पड़े हैं, दूसरी तरफ रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ है। इससे ना दुनिया की बहुत सारी कंट्री की तकलीफें बनने वाली है और जो आम सिटीजन है ना उन कंट्री के, उनको भी ज़्यादा तकलीफ होगा। ये सब डायमेंशन पर इस वीडियो पे मैं कवर नहीं करूंगा, बट यस, अगर आप चाहते हैं कि इन डायमेंशन पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट पर जरूर लिख के बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।